एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग को मेरे इस मिनी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े एक काम के लिए। तो बाबा के स्कूल में कल स्पीकर्स डे है, तो सारे बच्चों को कहा गया है फ्रूट्स की तरह ड्रेस अप करके आने के लिए। बाबा को ना हल्का सा सर्दी हो रखा है, तो मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा हवाएं चल रही है और आजकल धूप ही नहीं आ रही, हर दिन बारिश हो रखी है, तो शायद वेदर चेंज होने के कारण उसको सर्दी हो रखा है। और बाबा को एक ऐसा फ्रूट मिला है जिसका कलर मैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो बाबा को मिला है सपोटा, एक ऐसा कलर जो बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। और कस्ट्यूम जो है स्पेशली चार्ट पेपर से बनाने को कहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग शॉप पे आ गए हैं और यहाँ से अभी हम लोग देख रहे हैं सपोटा का कलर एक ऐसा है ना, क्या बोले, हल्का हल्का सा ब्राउनिश भी है और पता नहीं एक ऐसा कलर है। मतलब मैच करने के लिए हम लोग कितने सारे चार्ट पेपर देख रहे हैं, लेकिन ब्राउन में सिर्फ हम लोग को यही पेपर मिला। तो और ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो वही चार्ट पेपर हम लोगों ने ले लिया वहाँ से। और आते वक्त ना रास्ते में हम लोगों को गर्मा गर्म जलेबी देखने को मिला, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा जलेबी ले लिया। अच्छा भी लगता है ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कुछ खाने को, तो वहाँ से हम लोगों ने जलेबी ले लिया। और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बाबा का देखो मूड ऑफ हो गया एकदम से, क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं ना उसको एक नया टॉय चाहिए वहाँ से। तो हम लोगों ने टॉय लेने से मना किया, तो उसका मूड ऑफ हो गया। कितना लेंगे, कितना, पूरा घर तो भरा हुआ है उसके टॉय से। तो वहाँ से लेने से अभी मना किया, उसकी वजह से उसका मूड ऑफ पूरा ख़राब हो गया। और यहाँ पे हम लोग आते वक्त यहाँ पे रुके, कुछ सब्जी मेरे को लेना था, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा सब्जी लिया। सब्जी तो सब्जी, लेकिन एक स्पेशल चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे वो लोग एक पकौड़ा लेके खा रहे बाप बेटे बिना मेरे को दिए। और देखो बाबा का तो एकदम मूड ऑफ है, मैं क्या ही बोलूँ। और देखो ये देखो इसके लिए मैं यहाँ पे रुकी थी। मेरा फेवरेट मतलब मैं कटहल नहीं खाती, मेरे को इतना पसंद नहीं, कटहल का जो सीड्स होते हैं ना वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए मेरे को कटहल लेना था। तो यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ कौन सा वाला लो, कौन सा वाला लो, हस्बैंड से भी पूछ रही हूँ कौन सा लो, तो वो बोल रहा है जो आपको मन करे वही आप ले लो। और एक तो हम लोगों को समझ में भी नहीं आता कौन सा अंदर से पका हुआ और कौन सा कच्चा है, लेकिन इतने दिनों बाद दिखे तो मतलब इतना ज़्यादा हमारे साइड नहीं दिखा, मतलब ये सब लाते हैं तो बहुत टाइम बाद लाए, तो मेरे को एक लेने का मन किया हुआ से। वैसे भी बहुत टाइम से मैं मन में था कि मतलब कटहल लेने का, कटहल का सीड्स खाने का मन करा था, तो लेकिन फाइनली आज मिले तो मैं वहाँ से लिया एक। चलो बाद में जो होगा देखा जाएगा, कच्चा है तो 2-3 दिन रखेंगे धूप में बोल के मैंने वहाँ से एक ले लिया कटहल। और बाबा देखो चार्ट पेपर को लेके इधर उधर भाग रहा था, तो मैं उसको थोड़ा मना की। और यहाँ पे आज ना बहुत सारे अच्छे से सब्जियाँ निकाले गए हैं, ड्रैगन फ्रूट वगैरह भी, तो मैं वो सब देख रही थी और हस्बैंड से पूछ रही थी क्या करूँ बोल के। वो तो सिर्फ एक ही बोला था आपका जो मन करे वो ही ले लो। तो घर पे हम लोग अभी आ गए, और तो वहाँ से मैंने जो जलेबी लिया था रास्ते से तो वो निकाला, और साथ में थोड़ा क्रीम बन लिया। और अभी जो है हम लोग इवनिंग स्नैक जो है वो ले रहे हैं। खा पी के अभी हम लोग काम पे बैठ गए, जिस काम के लिए एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे। तो आज ना हम दोनों ही बैठ गए उस कस्ट्यूम को रेडी करने के लिए चार्ट पेपर से। जैसे कि मैंने बोला था कि बाबा को मिला है सपोटा, तो सपोटा का कलर इस पेपर से एक्चुअल जो कलर है वो मैच नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इस पेपर में थोड़ा सा वाटर कलर यूज़ किया है, तो वो सब उन्होंने ही किया है। तो वो लगे काम पे, बोला कि वो सपोटा जो है वो खुद बना लेगा, और मेरे को बोला कि लीव्स बनाने को, तो मैंने बोला ठीक है मैं चलो बाद में बना दूँगी। और देखो मेरे उंगली का हालत देखो, मेरे इस उंगली का जो नेल है ना वो बीच में से टूट गया है, पता नहीं नेल भी बड़े नहीं है, पता नहीं हर बार उसी उंगली का ही नेल मतलब टूटता है, तो वही थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। प्रेशर जो है ना मैं हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं दे पा रही हूँ, तो वही थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैंने लीव्स जो है वो मैं बनाने बैठ गई हूँ फिलहाल, मतलब किसी भी तरह मेरे को करना है बोल के, तो मैं वो लीव्स बनाने बैठ गई। और यहाँ पे अभी हम दोनों लगे हैं काम पे।
गाइस ये जो क्लिप है ये मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लिया था, बाबा स्कूल जाने से पहले एक बार उसको पहना के हम लोग ट्राई किए थे, देखना चाहते थे कि वो मतलब इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बस मैं बोल रही थी कि बाबा मैं आपका फ़ोटो ले रही हूँ, तो फ़ोटो बोलती है उसका, देखो क्या क्या पोजेस दे रहे हैं ना, वो खुद ही जाने भगवान ही जाने। Done.